जी नमस्कार, आदाब सलाम जी। जी इमरान साहब, आदाब सलाम, आपको नमस्कार, मेरी तरफ से खूब खूब आभार, चरण वंदना जी। जी मैं ये फिटकड़ी वाला जो दाबू बना रहा हूँ गौमूत्र के अंदर, इसमें मैंने 7 लीटर पानी, अभी ये लास्ट है, 7 लीटर में से कुछ इतना बचा है अभी। थोड़ा बर्तन मेरे पास, ये जो कढ़ाई है छोटी है, 2-2.5 लीटर पानी आंध जाता है इसमें, तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें अभी इतना बचा है और बाकी ये उड़ा रहा हूँ। ये कलर आ रहा है इसका पानी का जैसे अभी, और धीमी आंच पे उड़ा रहा हूँ। 3 दिन से चालू है ये काम मेरा, कारणवश कोई फ़ोन खराब, कैमरा फ़ोन का मिस्टेक हो गया था, अभी रेडी करवा के लाया हूँ। तो ये ऑडियो जो पीछे का मैंने ऑडियो वीडियो नहीं बना सका, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। और इसको 250-300 ग्राम डालते हैं तब तक रिएक्शन करता है, चुटकी चुटकी ज़्यादा, एक एक छोटी चम्मच है इस चम्मच से, एक एक चम्मच डालते हैं रिएक्शन करता, डालते रहते हैं, फिर लास्ट में ये रिएक्शन नहीं करता है। और ये पानी कंप्लीट उड़ा के और इसकी गुटाई उटाई करके फिर मैं आपको फोटो डालूंगा। जी नमस्कार, प्रणाम जी, नमस्कार, आदाब सलाम। इमरान साहब, जो आपने ये दाब बताया था टिकड़ी और गौ मूत्र के अंदर, ये ऐसी वेटनेस लिए हुए हुआ है पका के, और 500 ग्राम फिटकड़ी ली थी, पूरी 500 ग्राम मिली है मेरे को बावजन, और बहुत बढ़िया दाब बना है टेलकॉम पाउडर, और फुल आग दे के इसको पकाया है, पूरा ब्लैक कलर का था, और अभी ये काफ़ी हद तक वेटनेस आ गई है इसमें, ये ऐसा है। और ये भी कढ़ाई है, कढ़ाई में तो जिसको पकाया था इसमें जंग भी आ गया है, थोड़ी कढ़ाई नीचे से स्टील की थी मगर ख़राब हुई है, कोई बात नहीं, इसमें ही पकाएंगे अभी। जी नमस्कार सभी गुरुजनों को, मेरा आदाब सलाम, नमस्कार, चरण वंदना, कोटि कोटि प्रणाम सभी गुरुजनों को, नमस्कार।